नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कांग्रेस सांसद और विवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं और इनकी वजह से कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी बीजेपी की आलोचना करके तो कभी सांप बिच्छू या धर्म या फिर कुछ निम्न स्तरीय मोदी पर टिप्पणी करके, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी के मामले में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अदालत में बताया कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाली सुनंदा पुष्कर अपने पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। पुलिस ने थरूर पर सुनंदा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिनसे परेशान होकर पुष्कर आत्महत्या करने को मजबूर हुई। विशेष लोक अभियोजक अदालत को पुलिस ने बताया है कि दोनों के बीच झगड़े के चलते सुनंदा परेशान रहती थी और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। यहाँ पर एक बात बता दें कि पुलिस ने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान ये बात कही। जांच एजेंसी ने कोर्ट को ये भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत जहर खाने से हुई और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 15 जगह चोट के निशान भी मिले हैं। ये निशान उनकी कलाई, बाजू और पैरों पर मिले हैं। आपको याद होगा कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में होटल लीला के कमरे में मृत पाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था और थरूर इस वक्त जमानत पर रिहा है। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर अगर गौर करें तो ये मामला शशि थरूर तक जाता है और अगर पुलिस की बात सही है तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन ये तो अभी कोर्ट में जेरे बहस है और इस पर बहस के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही कोर्ट कुछ करेगा। लेकिन शशि थरूर के लिए अभी से ये परेशानी पैदा करने लगा है, क्योंकि अगर सबूत और परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर सही पाए जाएंगे तो शशि थरूर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। Dr. Tharoor on the condition that he will not tamper with the evidence and he will not travel abroad without the permission of the court. These are the only two conditions and he has to file a surety of 1 lakh of rupees in the court in case the court demands. These are the only conditions.